Hi guys, this is Ankisen from Lohi Medical University. Thank you for tuning my channel. So, अभी हम हैं कॉफी शॉप, देखो कॉफी पी रहे हैं। हमारे साथ है प्रिया धनकर, जो कि आपने लास्ट वीडियो में इनको देखा होगा और इन्होंने आग लगा दी थी चैनल पे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने अपना जो चैनल का नाम है वो डॉक्टर डॉक्टर्स से फ्लाइंग मेडिको कर लिया है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरी पुरानी वीडियोस अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो और ऐसे कमेंट्स में मेरे को बताओ कि आपको वीडियो पसंद कितनी आई और क्या क्या उसमें कमी थी। जो भी आपको उसमें डिसएडवांटेज एडवांटेज दिखी प्लीज़ कमेंट में शेयर करो। तो हमें पुरानी वीडियोज़ में कमेंट्स आए थे कि हमें अपनी जो हमें फर्स्ट ईयर होता है उसमें हमको बताना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और साथ में हमें कौन कौन सी बुक्स लानी होती है। जैसे कि आप जानते हो, मैंने पुरानी वीडियोस में भी आपको बताया था कि बुक्स लाना वैसे तो कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपको स्टूडेंट्स जो हैं वो जानना चाहते हैं कि हमें कौन कौन सी बुक लानी है तो हम आपको शेयर करेंगे कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी होती हैं और कौन कौन सी लानी होती है। जस्ट वॉचिंग। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी पूरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। इन्फॉर्मेटिव में हम ये बताएंगे आपको कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन सी बुक्स हम पढ़ते हैं और कौन कौन सी बुक्स हमें लानी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू हम एनाटॉमी से करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फर्स्ट ईयर दो सेक्शन में डिवाइड होता है हमारा, फर्स्ट सेम एंड सेकेंड सेम। फर्स्ट सेम हमारा अभी खत्म हुआ था जनवरी में, फिर फैब से शुरू होके हमारा सेकेंड सेम जाएगा जून जुलाई तक। तो फर्स्ट सेम में हमारा होगा एनाटॉमी। एनाटॉमी होती है जो कि फर्स्ट सेम में भी होती है और सेकेंड सेम में भी होती है। फिर सेकेंड आता है मेडबायो। मेडबायो भी हमारा फर्स्ट सेम में होता है, फिर सेकेंड सेम में भी होता है, और लैटिन होता है। और बेसिकली जो हमारे पास, हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, अगर आप रशिया में रह रहे हैं तो आपको रशियन सीखनी है, हम यूक्रेन में रह रहे हैं तो हमें यूक्रेनियन लैंग्वेज सीखनी है, उसकी हमें बुक्स भी मिलती है। बुक्स भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी, मैं अभी आपको सब्जेक्ट्स बता रही हूँ। तो बेसिक इज एनाटॉमी, फिजिक, द केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके, केमिस्ट्री डिवाइड होती है दो पार्ट्स में। पहले सेमेस्टर में हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं और सेकेंड सेमेस्टर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो चलिए मैं टोटली आपको रिवाइज कराती हूँ सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स हैं एनाटॉमी, फिजिकल केमिस्ट्री, मेड बायो, लैटिन, यूक्रेनियन, और फिजिक्स भी आती है हमारी मेड फिजिक्स, और एथिक्स हम पढ़ते हैं, बायो एथिक्स, और फिलोसफी भी पढ़ते हैं, फिजिकल भी आती है। और सेकेंड सेम में फिर हमारी कंटिन्यू होती है एनाटॉमी, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेड बायो, लैटिन भी कंटिन्यू होती है, यूक्रेनियन तो हमें सीखनी है तो वो भी कंटिन्यू होगी। फिर फिजिक्स भी हमारी कंटिन्यू रहती है, लेकिन फिजिक्स हमारी सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही है। और हिस्टोलॉजी आ जाती है सेकेंड सेमेस्टर में, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन आती है। हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इन्फॉर्मेटिव है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हम सारी हिस्ट्री पढ़ते हैं, कौन कौन सी कंट्री से कहाँ से कैसे मेडिसिन हमारा शुरू हुआ, किसने क्या डिस्कवर किया, कहाँ से कौन कौन सी मेडिसिन आई। इंडिया का भी बहुत अच्छा हमारा हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन अभी पढ़ा रहे हैं। सो गाइज, हमने अपनी बुक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो जो हमें लानी है फर्स्ट ईयर में, एक वो जो हमें यहाँ से मिली है। घबराइए मत, ये ज्यादा है मैं मान रही हूँ, लेकिन इनसे भी काम चलेगा। ओके, तो पहली तो ये है डिक्शनरी, ये आपकी मर्जी है आप लाओ या ना लाओ, वैसे तो यूज होती है, वैसे तो अब गूगल आ गया है, बट स्टिल आप डिक्शनरी लाओगे तो आपके लिए बेनिफिट है। ओके, सेकेंड ये हिस्टोलॉजी है इंद्रवीर सिंह की, ये हिस्टोलॉजी भी आपको लानी है क्योंकि ये एब्सोल्युटली यूज होगी सेकेंड सेम में। और बीडी तो आप सब लोग जानते ही हैं, बीडी के तीन वॉल्यूम होती हैं, फिलहाल मेरे पास अभी दो हैं, थर्ड वन आई डोंट नो वेयर। तो ये बीडी है, ये सिक्स एडिशन है। ओके, द लेटेस्ट वन इज सेवेंथ, आप तो आओगे तो आप सेवेंथ लाना, सेवेंथ इज मोर, मच मोर बेटर, और एटलेस, सो ये भी आप जरूर लाइएगा। एंड द अदर बुक्स आर, विश्राम सिंह की भी अच्छी बुक्स हैं, एक्चुअली मेरे पास अभी है नहीं वो, लेकिन मैं आपको उसका फोटो अभी वीडियो में दिखाऊंगी। विश्राम सिंह भी आप ला सकते हैं, चॉइस आपकी है, आप बीडी लाइए या विश्राम सिंह लाइए, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अब शुरू करते हैं वो वाली बुक्स जो हमें यूनिवर्सिटी देती है। सो पहली यूक्रेनियन बुक, क्योंकि हम यूक्रेनियन सीखते हैं तो ये यूक्रेनियन की बुक है। सेकेंड ये हमें एनाटॉमी की बुक मिलती है कॉलेज के तरफ से, इसके यहाँ पे सारी मोस्ट ऑफ बुक इनके पब्लिशर्स की हैं यूक्रेन के अंदर। थर्ड है ये एल्बम है, हिस्टोलॉजी की एल्बम है, इसमें सारे डायग्राम्स जो माइक्रोस्कोप में हमें दिखते हैं वो सारे डायग्राम्स हैं अच्छे। और
सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप यूक्रेनियन अच्छे सीख जाओगे तो आप पढ़ लोगे, नहीं तो डायग्राम से काम चला लेना। और मेडबायो की हमें दो बुक्स मिलती हैं दोनों सेमेस्टर में अलग अलग। पहले सेमेस्टर में हमें ये वाली बुक मिली थी और सेकेंड सेमेस्टर में हमें ये वाली बुक मिली है। दोनों ही पढ़नी है, कंटेंट ऑलमोस्ट सेम होता है दोनों में, बट आप पे डिपेंड करता है कि आप किससे पढ़ोगे। और दिस वन इज अवर लैटिन बुक। लैटिन पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि आप सब जानते हो कि हमारे मेडिकल लाइन में लैटिन इज मस्ट। सारे टर्म्स ऑलमोस्ट लैटिन से डराइव हुई हैं, लैटिन एंड ग्रीक। सो इसमें सारी वो लैटिन टर्म्स हैं जो हमें पढ़नी होती हैं, और ग्रीक भी है इसमें दोनों। फर्स्ट सेमेस्टर में हमें लैटिन पढ़ाते हैं, सेकेंड सेमेस्टर में ग्रीक शुरू कर देते हैं। ग्रीक इज ऑल्सो गुड। और ये है हमारी हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। इसमें सब कुछ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन हमारा बताया हुआ है। और सेकेंड सेम में मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक शुरू हो जाती है, तो ये हमें ऑर्गेनिक के लिए हमें बुक दी है। दिस वन इज वेरी गुड, बहुत शॉर्ट नोट है, पॉइंट वाइज हमें सारा बताया है। हिस्टोलॉजी की भी हमें लाइब्रेरी से बुक मिलती है, ये हिस्टोलॉजी की बुक है, इसका अभी लेटेस्ट एडिशन नहीं है, नतालिया मैम ने लिखी है जो कि हमारी यहाँ पे HOD है। एंड द वन एंड ओनली ये हमारी ग्रेस एनाटमी है, ये आप सब जानते हो बहुत फेमस है, ये मैंने लाइब्रेरी से इशू की है। आप चाहो तो इसको ला भी सकते हो, अदरवाइज ये लाइब्रेरी में भी मिल जाएगी। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि हमें लाइब्रेरी से कैसे इशू करनी है बुक्स, और अपनी लाइब्रेरी में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी लाइब्रेरी में कौन कौन से बुक्स हैं, कैसे मिलती है। आई विल शो यू।